हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ प्रॉपर्टी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लॉग होता है वो इस तरह से होता है, लॉग ए बी। ये जो ए होता है इसे हम आधार कहते हैं, ये जो बी है इसकी संख्या है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग बी आधार ए, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आधार है, यहाँ पर ये ए है, ये ए क्या है, यहाँ पर आधार है। तो आधार को हम क्या कहें, ई ले लें, आधार को हम ई ले, तो हम इसको एल एन बी भी बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राकृत लॉग। और जब हम आधार को टेन ले लेते हैं, दस ले लेते हैं आधार को, तो इसको हम लॉग टेन बी, इस तरह से हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लॉग। पढ़ने का तरीका क्या है, इसको लॉग बी आधार टेन, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके जितने भी फॉर्मूले वो सब आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला इस तरह से है, लॉग ए, यहाँ पे आधार ए ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया बी, प्लस लॉग ए सी। हमने क्या किया, यहाँ पे दो लॉग को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों का आधार हमारे पास सेम होना चाहिए, दोनों का आधार ए ए है और संख्या अलग अलग है बी और सी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए बी सी, इस तरह से। जो यहाँ पे योग में है वो यहाँ पे क्या हो गया, गुणा में हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इनको दोनों तरफ से याद रखना है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे माइनस के लिए करते हैं, लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए, क्योंकि यहाँ पे आधार ए है, सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आधार ए आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, बी यहाँ पे प्लस में है, तो बी बटे हुए सी, क्योंकि सी वाला नेगेटिव में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लॉग लिखा हुआ है, लॉग के अंदर ये जो संख्या होती है वो संख्या हमेशा जीरो से बड़ी होती है, संख्या हमेशा जीरो से बड़ी होती है। और यहाँ पर इसका जो आधार लिखा हुआ है, आधार जिसको हम यहाँ पे ए बोल रहे हैं, ये भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा और एक भी नहीं होना चाहिए, आधार कभी भी एक नहीं होना चाहिए, यह बात हमेशा ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले तो हो गए, और भी कई सारे फॉर्मूले मैं बताता हूँ। यहाँ पर लॉग ए बी की पावर एम ले लिया हमने, यहाँ पे संख्या की घात आएगी, संख्या की घात आएगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम लॉग ए बी, यानी कि ये जो घात है यहाँ पर, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। जो यहाँ पे बी किसका, ये संख्या की घात है, बी की घात है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह से घात ए पे भी आ सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, लॉग ए की घात एम बी। जब घात संख्या की आ जाए तो संख्या की घात को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या आएगी, वन अपॉन में आएगी, वन अपॉन एम लॉग ए बी। तो लॉग ए बी तो ऐसे कैसे रह गया, लेकिन ये जो ए की घात है इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो बाहर कैसे निकलेगी, वन अपॉन एम के रूम में। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ए, और यहाँ पे संख्या भी ए हो जाए, यानी कि आधार और संख्या दोनों बराबर हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। जब भी आधार और संख्याएँ बराबर हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। फिर हम और भी देखते हैं ऐसे ही, लॉग ए बी, यहाँ पे क्या है, लॉग ए बी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपॉन लॉग बी ए, यानी कि आधार और संख्या को हम एक दूसरे के साथ चेंज कर दें, तो इस तरह से हो जाएगा, वन अपॉन लॉग ए बी, इस तरह से आ जाएगा। फिर हम इसको अलग अलग करना चाहिए तो कैसे करेंगे, जैसे कि लॉग ए बी ये इस तरह से है, तो हम इसको दो तरीक़ों से लिख, इसको अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड करके इस तरह से, लॉग, देखो लॉग ऊपर क्या है, संख्या क्या है, बी, तो यहाँ पे बी आएगा, लेकिन इसके अंदर आधार क्या आ जाएगा, एक सी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा, लॉग आधार, देखो दोनों जगहों पे आधार सेम लेना, अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, इसमें ए हो जाएगी,
तो इस तरह से ये एक लॉग का फॉर्मूला। और भी फॉर्मूले जैसे कि कोई संख्या है, कोई संख्या हमने ले ली सी, सी एक हमने संख्या ले ली और यहाँ पे इसके पावर में लगा दिया लॉग ए बी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो संख्या सी और ये बी है, ये जो सी और ये बी है दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं इस तरह से, बी की पावर में लॉग ए और सी, इस तरह से चेंज करके इसको लिखा जा सकता है। और भी कोई प्रॉपर्टीज हो तो मैं देख लेता हूँ। कोई भी संख्या हो जैसे कि यहाँ पे ए है, ए की घात में लॉग लगा हुआ है, लॉग ए और एक संख्या है बी, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, यानी कि जिस पे घात लगा हुआ वही आधार हो तो संख्या को ऐसे उतार सकते हैं हम। और यहाँ पे सी अलग संख्या हो तो हम बी और सी को इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं। और एक जो हमेशा याद रखना है, लॉग ए और एक संख्या हमने ले ली एक, तो इसका लॉग हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये मुख्य प्रॉपर्टीज़ है इसकी लॉग की। ये प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेके हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लॉग ए बी वन है, लॉग ए बी टू है, कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि बी वन इक्वल टू बी टू, दोनों लॉग यहाँ पे देखो बराबर है, दोनों का आधार सेम है तो दोनों की संख्या भी बराबर होगी। कहीं पे भी ऐसी संख्या लिखी हुआ जाए जैसे कि जिसके अंदर क्या हो, एक्स की पावर एम हो इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लॉग के पदों में लिख सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट इसका लॉग ले लें और एक इसको लॉग के पदों में लिख सकते हैं। एम इक्वल टू लॉग एक्स वाई, इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि जो घात है वो तो बराबर में आ जाएगी और जो एक्स है वो आधार में चल जाएगा और ये जो संख्या है उसका लॉग बन जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या करें लॉग ले लें किसी भी आधार के लिए, या हम यहाँ पे आधार कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग एक्स की पावर एम, अभी तक हमने कोई आधार फिक्स नहीं किया, हम कुछ भी आधार यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो लॉग प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी उसके हिसाब से हम एम को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एम लॉग x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, m log x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y हो गया। अब आप देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे इस log को हटाना चाहिए तो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, आधार और संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी हम आधार x ले लें तो यहाँ पे भी x लेना पड़ेगा। अब दोनों जगहों पे आधार सेम होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल m बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x और वाई, इस तरह से हम कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने का तरीका है, अगर ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं और ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से चिन्ह है, इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं और इस कंप्लीट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एक है यहाँ पर, जिसके अंदर हमें कुछ संख्याओं को कैलकुलेट करना है, जैसे कि लॉग 0.001 और इसका जो आधार है वो है 0.001 और यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा है इस तरह से है, और फिर इसके साथ में प्लस में आ रखा है लॉग 9
और 81। तो हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो, ये भी 3 की घात के रूप में और ये भी 3 की घात के रूप के अंदर है। यहाँ पे भी इसको हम घातों के अंदर बदल सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग यहाँ पे देखो 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस के 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात आधार के अंदर क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3, और यहाँ पे जो प्लस में है प्लस के अंदर देखो लॉग यहाँ पे क्या है 9 है, और यहाँ पे देखो इसको 9 की पावर 2 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि कैसी है तो इसको 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, घातों को बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने का जो रूल है उसके हिसाब से हम घातों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ऊपर तो माइनस का 4 निकलेगा, नीचे माइनस का 3 निकलेगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घात बाहर निकल जाएगी, लॉग 9 और 9 हो जाएगा। अब ये देखो कैसी हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ए बी की पावर एम। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एम को बाहर निकाल सकते हैं, लॉग ए बी इस तरह से हम कर सकते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला वो क्या कहता कि यदि आधार जो है उसकी पावर एम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम लॉग ए बी, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलों को एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला इसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब यहाँ पे देखो लॉग 10 10 हो गया और यहाँ पे लॉग 9 9 हो गया, यानी कि दोनों आधार और संख्या दोनों सेम है, तो इनका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलेगा, माइनस से तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिल गया, फिर प्लस 2, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इसका तो 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो इसका जो आंसर हमें मिला 4/3 प्लस 2, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लॉग प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेके किसी भी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। लॉग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लॉग 1 - 1/2, फिर प्लस में है लॉग ए 1 - 1/3, फिर प्लस में है लॉग ए 1 - 1/4, फिर प्लस में है, इसी तरह से चलता जा रहा है आगे तक, और लास्ट में आएगा लॉग ए 1 - 1/n। इस तरह से ये क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग प्रॉपर्टीज यूज में लेके इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सरल भाषा में लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए, सबका आधार ए है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबका आधार हमारे पास क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1/2, फिर प्लस में है लॉग, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2/3, फिर यहाँ पे प्लस में है लॉग, यहाँ पे सबके अंदर आधार ए चल रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4, फिर प्लस इसी तरह से आगे तक चलता जाएगा, लॉग आधार में ए चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर n-1/n, इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सभी लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड, जब भी दो लॉग को ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज में लेंगे। वो प्रॉपर्टी किस तरह से है, वो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ए जब आधार सेम हो, बी प्लस लॉग ए सी, दोनों का आधार सेम होना चाहिए, और जितने भी ऐसे कितने सारे लोग हो सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ए जो इनका आधार है वो आधार यहाँ पे आएगा, और बाकी ये जो है गुणा में आ जाएगा, बी
और सी, इस तरह से। अब ये दो, यहाँ पे दो है, दो से ज़्यादा तो सभी इस तरह से गुणा में आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो हमें यहाँ पे मिलेगा लॉग ए, और यहाँ पे ये जो भी है सब के सब इसके साथ गुणा में आ जाएंगे, यानी कि 1/2 डॉट 2/3 डॉट 3/4 डॉट इसी तरह से आगे तक आएगा, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला दो है इसको कैंसिल करेगा, फिर यहाँ का इसको कैंसिल करेगा, फिर यहाँ का है जो इसको कैंसिल करेगा, तो क्या आएगा, 1/n आ गया। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं लॉग लॉग ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n, ये हमारे पास लास्ट में रिजल्ट बच रहा है। अब इसको हम चाहें तो और आगे तक लिख सकते हैं, आगे कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए तो ऐसे कैसे, अब देखो ये एन की पावर माइनस वन कर सकता हूँ मैं इसको इस तरह से, और यहाँ से माइनस पर माइनस वन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो बाहर निकालूँगा तो क्या आएगा, माइनस का लॉग ए एन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, दो लॉग को ऐड करने की प्रॉपर्टी, यहाँ पर आधार सेम होना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह से, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लॉग है उसके अंदर जो आधार है उसमें 2 है यहाँ पे, क्योंकि 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को। यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर एक तो घात कम्प्लीट है और एक आधी है, यानी कि 3/2 यहाँ पर घात हो जाएगी 2 की। यहाँ पर घात, यहाँ पर 2, यहाँ पर आधार 3 है और यहाँ पर आधार 9 है, तो इसको 9 को भी हम 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आधार एक समान करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जो लॉग है ऊपर वाला यहाँ पे 2 की घात 3 लिख देंगे, इसका जो आधार है, आधार को हमने क्या लिखा, 2 की घात 3, और इसकी जो संख्या है वो ऐसे कैसे हमने लिख दी, डिवाइड के अंदर हमारे पास जो आ रहा है लॉग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 9 है 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात के रूप में लिखेंगे, 3 की घात 2, ये 9 हो गया ये, और इसकी जो संख्या है 23, इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने। फिर माइनस, यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे लॉग, देखो इधर आधार 2 है तो हम यहाँ पे भी आधार 2 यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे आधार 2 रहेगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3/2 इसकी घात हो गई, और इसी में संख्या 17 है तो संख्या 17 को हमने ऐसे कैसे उतार दिया। फिर नीचे यहाँ पर लॉग 3 है तो लॉग 3, और यहाँ पर 23 को हमने ऐसे कैसे उतार दिया। अब इसको आगे सोल्व करना है हमें, आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये बाहर निकल जाएगा, 3 है जो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 3 को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3, क्योंकि ये आधार पे घात लगी हुई है 3, तो 1/3 के रूम में आएगी, तो 1/3 के रूम में यहाँ पर निकल गई, और यहाँ पर फिर आएगा लॉग 2/17, लॉग आधार 2 और संख्या इसकी कितनी है, 17, फिर डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 3 की घात के रूम में है 2, तो 1/2 के रूम में बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो 1/2, और फिर यहाँ पे लॉग 3 हो जाएगा, लॉग आधार 3 और इसकी भी संख्या कितनी है, 23 है, इसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम, तो माइनस, यहाँ पर देखो घात कितनी है, 3/2 है, तो ये 1/3/2 के रूम में निकलेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आधार पे घात लगी हुई है, तो इसकी संख्या को अब हम इस तरह से लिखेंगे लॉग 2 और 17, डिवाइड में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लॉग 3 23,
लॉग आधार 3 और संख्या इसकी 23 है। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1/3 और 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे हो गए 2/3, ये तो हो गया इसके बाहर में, और इसके 2/3 तो इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया, और इसके साथ में क्या आ रहा है, लॉग 2/17, आधार 2 है, संख्या 17 ये, और इसके डिवाइड में फिर क्या बचेगा, लॉग 3 और 23। देखो ये जो संख्या थी इसको तो मैंने बाहर कर दिया, 2/3 आ गया हमारे पास, और ये इस तरह से बच गया। फिर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस उतार दिया। अब यहाँ पे देखो 2/3 है तो हमने 2/3 यहाँ पे उतार लिया, और इसके साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग 2/17, और फिर यहाँ पे लॉग 3, आधार 3 है यहाँ पे, और संख्या 23। अब आप देखो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम है, तो कैंसिल हो के दोनों का क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं लॉग का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है वो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लॉग 2/3/17 इस तरह से था, और इसको हमने क्या लिख दिया, 1/3 लॉग 2/17। तो यहाँ पे ये जो है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है इसका कारण मैं बता देता हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, हमने फॉर्मूला ये अप्लाई किया है, लॉग a की घात m b, घात किस पे आ रही है, आधार पे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/m के रूप में उतार सकते हैं, लॉग a b। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी फॉर्मूला की मदद से हमने इस तरह से सोल्व किया था। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज में ली है। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर है 81 और इसकी घात में लगा हुआ है 1/log 5 की, 5 तो आधार है और संख्या इसकी 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसमें एक संख्या लिखी हुई है 81 और इस पर घात लगी हुई है 1/log आधार 3 और संख्या नहीं, आधार 5 और संख्या 3 है। तो हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का जो तरीका उसके हिसाब से क्या होगा, ये सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, 81 जो है हमारे पास क्या है, 9 × 9 है। तो इसको हम 3 की घात के रूप में लिखेंगे, 3 की घात के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहा है, इसको हम आधार बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 की घात 2। तो ये 3 की घात कितना हो गया हमारे पास, 4। 3 की घात कितना है, 4 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 की घात 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 लिख सकता हूँ। और ये जो लॉग है यहाँ पर, ये 1/ के रूप में आ रहा है, यानी कि 1/log ए बी, कहीं पे भी ऐसा लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लॉग लिख सकते हैं बी ए, यानी कि ये जो आधार और संख्या है इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, यदि एक डिवाइड में जा रखा हो, ये है इस तरह से, इस तरह से हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, लॉग 3 और संख्या को मैं यहाँ पे 5 बना देता हूँ, तो हो गया ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये संख्या यहाँ पे 4 है जो इसके गुणा में आ रही है, गुणा में आ रही है तो मैं इसको घात में कना सकता हूँ। घात में कैसे कना सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो m log ए बी, ये इस तरह से होता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी इसको उल्टी यूज में ले रहे हैं हम, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, log a b की पावर m, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि m होता है तो हम उसको इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर हो तो इस तरह से वापस इसको घात में ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, 4 है जो इसके घात में क्या है, गुणा में, तो हम इसको घात के रूप में ला सकते हैं। तो घात में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 log 3 की, और यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगी, 4।
अब यहाँ पे देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि घात और आधार जिसकी संख्या पे घात लगी हुई हो, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी इस तरह से है, लोग किसी संख्या ए के ऊपर घात लगा हुआ है और इसका आधार ए है और कोई भी संख्या बी है तो हम इसको बी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। ए के घात में लोग है और लोग का आधार भी ए ही है और फिर बी है तो हम इसको बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तीन है, तीन की घात लगी हुई है और इसका आधार भी तीन ही है तो हम पाँच की घात चार डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं पाँच की घात चार। अगर हम पाँच की घात चार को सोल्व करेंगे तो हमें आएगा 625। तो ये जो लोग की जो प्रॉब्लम थी उसका आंसर हमें क्या मिला, 625 हमें यहाँ पर मिल रहा है। और भी हम थोड़ा सा और भी सोल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दो घात जो लगी हुई है इस तरह से लगी हुई है, दो की घात तीन माइनस लॉग टू थ्री। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दो की घात तीन, फिर यहाँ पे वापस से ये घात लगी हुई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं गुणा। देखो जब घात अलग अलग होती है तो क्या होता है, गुणा में आता है। दो की घात माइनस लॉग आधार दो और थ्री। अब यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है तो ये जो माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे आगे आ रहा है गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, तीन के घात के रूप में चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दो की घात थ्री गुणा दो की घात लॉग टू थ्री की घात माइनस एक, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो लॉग है इसका जो आधार और ये जो संख्या है यहाँ पे जिस पे घात लगा हुआ है लोग वो और इसका जो आधार है दोनों सेम है, और दोनों सेम होता है तो वो संख्या को हम डायरेक्ट यहाँ पे उतार सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे लोग कोई संख्या एक के ऊपर लोग लगा हुआ है, घात लगी हुई है लोग, और इसका आधार भी ए है और यहाँ पर बी है तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पर बी लिख सकते हैं। ए की घात के रूम में ये लोग पूरा यहाँ पे इसके घात के रूम में आ रखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो की घात के रूम में आ रखा है और इसका आधार भी क्या है, दो है तो हम तीन की घात माइनस एक को डायरेक्ट यहाँ पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दो की घात तीन तो हो जाएगा आठ और इसके गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर वन अपॉन या तीन की घात माइनस एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आठ बटे हुए तीन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, आठ बटे हुए तीन। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज मिली यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज मिली और हमें लॉग का रिजल्ट यहाँ पे मिल गया आठ बटे हुए तीन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है यहाँ पे, ये आज के जो वीडियो उसका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले की तरह हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो आठ की पावर लॉग टू और यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 121, एक तो ये हो गया और इसके साथ में गुणा में क्या चलेगा, आठ की घात एक बटे हुए तीन, ये इस तरह से चलेगा। अब आठ को हम क्या लिख सकते हैं, आठ को हम लिख सकते हैं दो की घात तीन। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ,
दो की घात तीन, आठ को मैंने क्या लिख दिया, दो की घात तीन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, और यहाँ पे लॉग के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे आधार तो दो आ रहा है, और संख्या 121 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 121 का क्यूब रूट 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके साथ में गुणा में क्या है, दो की घात तीन, और इसकी घात लगी हुई है 1/3, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 1/3 इसकी घात लगी हुई, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे दो की घात क्या आएगा, थ्री तो पहले से है, और 1/3 फिर से यहाँ पे बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग टू, और यहाँ पे 121, और साथ में अब यहाँ पे गुणा में क्या चल रहा है हमारे पास, देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू बचेगा, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू, और इसकी घात में बचेगा आपके पास लॉग, और यहाँ पे 121, और इस साथ में गुणा में दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बराबर आ गए, तो इस लॉग को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 121 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 121, और गुणा में यहाँ पे दो आ रहा है, तो अब हमें रिजल्ट में कितना मिलेगा, 242। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, 242। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली है। तो प्रॉपर्टी हमने ये यूज में ली है कि कोई भी संख्या इस तरह से, जैसे कि लॉग ए और बी की घात एम लिखी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम लॉग ए बी, यानी कि ये जो b की घात है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या ली है कि कोई संख्या a है और इस पर घात लगी हुई है log, जिसका आधार भी क्या हो, a, और इसके साथ में कोई संख्या इस तरह से b है, तो हम इसको b लिख सकते हैं। कैसे, देखो आधार क्या है इसका, a है, और घात भी किस पे लगा हुआ है, a पे, तो इन दोनों को यहाँ से कैंसिल करके केवल b को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज में लेकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो और होगा लॉग पे जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, और ये लॉग कम्प्लीट हो गया है, बस केवल इतना ही है लॉग के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ।